वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडे साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि साउथ फिल्म अदाकारा रश्मिका मंदाना अपनी क्यूटनेस और दमदार एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। फिल्म अदाकारा रश्मिका अब धीरे धीरे अपने पैर साउथ फिल्मों की दुनिया से बाहर निकाल कर हिंदी दर्शकों के बीच भी पहुँचने के लिए आगे बढ़ रही हैं। फिल्म स्टार ने हाल ही में तमिल फिल्म सुल्तान के साथ कॉलीवुड डेब्यू किया है। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत हुई है। अब अदाकारा अपनी कई और दिलचस्प लाइन अप को लेकर चर्चा में है। दरअसल रश्मिका मंदाना जल्द ही टॉलीवुड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को सुकुमार निर्देशित कर रहे हैं। यह रश्मिका मंदाना की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म है, जिसे एक साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किए जाने की तैयारी है। वहीं हाल ही में रश्मिका मंदाना की गुड बाय बॉलीवुड फिल्म का ऐलान हुआ है। इस फिल्म में अदाकारा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ ऑन स्क्रीन दिखने वाली हैं। फिल्म में उनका किरदार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बेटी का है। इस फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल हैं। इसके अलावा अदाकारा अपनी एक और बॉलीवुड फिल्म को लेकर चर्चा में है। अदाकारा फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म मिशन मजनू में भी काम कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग इस वक्त तेजी से चल रही है। फिल्म को शांतनु बागची डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग इन फिल्मों में रश्मिका मंदाना को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।